17/5/19 को थाने पर जगदीश लखानी है, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये लगभग 4-5 साल तक इन्होंने जिद्दी पैलेस नला बाजार में होटल है उस होटल पे ये नौकरी करते थे। होटल पे नौकरी करने के दौरान ही इनकी जान पहचान अभिषेक डागा है जो बीकानेर के रहने वाले हैं उनसे हुई थी। तो अभिषेक डागा ने अपने आप को शासन सचिवालय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बताया और कहा कि कभी कोई काम पड़े तो बताना। उसी दौरान ये प्रार्थी की पत्नी जो है जिसका नाम श्वेता गुप्ता है, उन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था। तो रीट के एग्ज़ाम का जब उसको पता चला अभिषेक डागा को, तो उनका एग्ज़ाम में हुआ नहीं था सिलेक्शन, तो उसने बताया मैं ये सिलेक्शन भी करवा दूंगा और नौकरी भी लगवा दूंगा। नौकरी लगवाने और सिलेक्शन करवाने के नाम पर उसने अलग अलग टाइम में प्रार्थी से लगभग 5 लाख रुपये ले लिए थे, कुछ बैंक से लिए कुछ इनके तरह के लिए। इसी दौरान एक प्रार्थी के कॉलोनी में निवास करने वाली खुशबू गहलोत है, उनकी भी रिट में नहीं हुआ था, तो उन्होंने भी अपना सिलेक्शन करवाने के लिए 5 लाख रुपये अभिषेक डागा को दे दिए थे। और फिर अभिषेक डागा ने इनको एक नियुक्ति पत्र भी दिया था, जिस नियुक्ति पत्र में बकायदा विभाग की सील वगैरह लगी हुई थी और हस्ताक्षर भी किए हुए थे। खुशबू गहलोत को तो केकड़ी और श्वेता गुप्ता को पुरानी मंडी के अंदर स्कूलों में पदस्थापन के आदेश भी दिए थे। इन लोगों ने जब डीओ ऑफिस में पता किया तो ये आदेश फर्जी पाए गए थे, तब इन्होंने आके मुकदमा दर्ज कराया। अभिषेक डागा ने इन दोनों महिलाओं से नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपये ऐंठ लिए हैं। वारदात के बाद से ही अभिषेक डागा लगातार अपनी स्थिति को प्रतिदिन चेंज कर रहा था, एक दिन के बाद ही दूसरे दिन अपने स्थान को बदल देता था। कल इसकी लोकेशन जयपुर के आसपास आई थी, तो थाना जैसे टीम भेजी गई थी सुभाष कांस्टेबल वगैरह, तो इन्होंने लाके इसको पेश किया था, इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे जो रकम है उसके बारे में तथा उसने ये नियुक्ति पत्र वगैरह कहाँ पर टाइप करवाए हैं हस्ताक्षर और वो जो सील वगैरह है उनको बरामद करने के लिए इसको न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा।